हम भी तो ये चाह रहे हैं कि गिरफ्तार करें, करें गिरफ्तार। अब गुजरात जाएंगे हम, गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में से पदाधिकारी को उठाकर लेकर गए ना, तो गुजरात का किसान भी आजाद करवाना है, यह प्रेस मीडिया भी आजाद करवानी है। ये तो बंदी अभियान चलेगा देश में, मीडिया बंदी अभियान चलेगा, नेता बंदी अभियान चलेगा देश में से। गुजरात जो बंद है पूर्ण रूप से कैप्चर है, उसको छुटवाने का काम करें। एक बात इन्होंने अचानक गुजरात की कि युद्धवीर जी अगर होते तो मैं उनको बुलाता। युद्धवीर सिंह भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं और दो दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे गुजरात में। मैं कोलकाता में था, मुझे विस्तार से जानकारी नहीं, ट्विटर पर मैंने वीडियो देखा कि युद्धवीर सिंह को अचानक बाह से पकड़कर कुछ पुलिस वाले बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठाकर ले गए। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी किसान नेता हो, कोई भी नेता हो, अगर कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठाकर ले जाया जा सकता है, उसकी क्या वजह है, और ऐसे जबरन ले जाना, क्यों ले गए, मुझे नहीं पता। यही तो गुंडागर्दी है, यही तो पूरा देश में गुजरात मॉडल बनाना चाहते हैं, इसी का तो हमारा विरोध है। गुजरात के लोग तो बंधन में है, जो गुजरात का जो किसान है वो बंधन में, उसको मुक्त करवाना है, वहां से उसको आजाद करवाना है। कल की अगर परसों का हुआ था, युद्धवीर जी हैं क्या यहाँ के, अच्छा उसमें क्या हुआ था थोड़ा बताइए। वीडियो हमने देखा कि उनको जबरदस्ती कॉन्फ्रेंस कर रहे, क्योंकि वहां पे हमको 4 और 5 तारीख की वहां पे मीटिंग है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो मीडिया वाले वहां से आए मीडिया के बीच में, और जितने भी लोग बैठे थे उनको एक एक करके वहां के पुलिस वाले लेके गए। महिलाएं वहां पे आई जो कोई अधिकारी होंगी, और उनने न्यूसेंस करी और उनको उठाया और उनको लेकर बाहर गए। ये हो गया। वजह क्या कहा पुलिस वाले? वजह तो ये कहा कि यहाँ प्रेस नहीं कर सकते, आप इलीगल कर रहे हो। क्या गुजरात में प्रेस करना इलीगल है? क्या गुजरात अभी आज़ाद नहीं हुआ? तो ये तो हमने बहुत पहले कह दिया था कि गुजरात के लोग बंधन में हैं, जो वहाँ का किसान है वो बंधन में है। अगर वो यहाँ पर आता है तो जेल में जाता है, उसको पकड़ते हैं। आज भी बहुत लोग वहाँ पे जेलों में बंद हैं। तो आप ये बताइए, अब बंगाल का चुनाव तो पहले दौर का हो चुका, अब चुनाव होना है, और उसके बाद बंगाल आप गए भी 2 दिन, लेकिन यहाँ से जो आपने अपीलें की पहले कि बीजेपी को हराओ, ये भी खबर मैं देख रहा था कल की, किसान मोर्चे के ही कुछ नेता जिसमें जो उग्रहा हैं उन्होंने भी कहा कि ये हमारा काम नहीं है, इसको हराओ उसको जिताओ। और जो ये आप संसद जाने की बात कर रहे हैं, इसके भी बारे में दर्शन पाल और चढ़ूनी का बयान है कि ये मोर्चे का नहीं है, तो क्या राकेश टिकैत एक अपने ढंग से भी कुछ ऐलान करते चलते? कहा कि मोर्चा जिस दिन कहेगा, भाई कहनी तो पड़ेगी, कॉल तो देनी पड़ेगी, आज दे लो, बरसात में दे लो, अगली सर्दी में दे लो, अगले साल दे लो, 2 साल में दे लो, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ की कॉल नहीं देनी पड़ेगी कि कॉल ना दो। उनको आगाह तो करना पड़ेगा कि अगर बाहर फसलें ठीक नहीं बिकेगी तो पार्लियामेंट पर तो पक्की बिकेगी। मोर्चा तय जिस दिन कर देगा उस दिन चल देंगे। तो आप ये बताइए, कल होली है, आप सब लोग यहीं हैं होली में? हाँ यहीं रहेंगे। आप भी यहीं रहेंगे होली? सारे किसान यहाँ होली कैसे मनाएंगे, क्या करेंगे होली में? क्या यहाँ पे अपना कोई कुछ ले आओगे अपने घर से, हलवा पूड़ी बना के ले आओगे, कोई गुंजिया ले आओगे बना के। कुछ प्रेस के लोगों ने भी कहा कि हम भी कुछ ले आके देंगे, भाई दे दियो आप भी, तो यहाँ खा लेंगे, अपना रंग लगा लेंगे। तो जब आप अपने घरों में होली मना रहे होंगे, हालांकि कोरोना की वजह से बहुत जगह होली उस तरह से नहीं मनाई जाएगी, शायद सामूहिक होली, तब ये किसान जो 4 महीने पहले यहाँ आए थे 26 नवंबर को, और यहाँ 2-3 किलोमीटर तक और अलग अलग दिल्ली के बॉर्डर पर, तब भी ऐसे ही सड़कों के किनारे होंगे, पता नहीं उनकी होली कैसी होगी। मैं जाऊँगा, कोशिश करूँगा कि तीनों सीमाओं पर होली के दिन किसान क्या कर रहे हैं, कैसे होली मना रहे हैं, वो ज़रूर दिखाऊँगा। और इसके लिए ख़ास तौर से मैं बंगाल से एक दिन का वक्त निकालकर सिर्फ यही देख रहे हैं किसान होली में क्या कर रहे हैं। किसान हमारे शहीद हो गए, यहाँ पे 300 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, तो ऐसे में कोई खुशी होती है, लेकिन तीज त्यौहार है, उसकी कोई आन ना पड़े, तो इसलिए टिक्का लगा के वो लगा के एक जो साधारण तरीके से उसका लोग यहाँ पर निर्वाह करेंगे, जो लोग होंगे एक दूसरे को वो करेंगे और अपना बैठ के अपना बातचीत करेंगे। हाँ, ये एक भावुक बात ज़रूर है कि 300 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई है, और उसमें ऐसे कई किसान हैं जिनकी चिट्ठियाँ प्रधानमंत्री मोदी के नाम सामने आई है, जब खुदकुशी से पहले उन्होंने चिट्ठी लिखी है, चाहे टिकरी बॉर्डर, यहाँ भी गाजीपुर बॉर्डर पर भी मैंने अपनी आंखों से देखा, एक 75 साल के बुजुर्ग, उन्होंने खुदकुशी की और उसके बाद उनकी चिट्ठी यहाँ पड़ी थी। हर जगह ऐसी खुदकुशियाँ भी हुई है, मौतें भी हुई है। इन मौतों के बाद भी अगर सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही, आखिरी बात, क्या किसान
थक भी रहे हैं। बीच में मैं बाहर था तो बीच में कुछ मीडिया में खबरें आती हैं, किसान चले जाते हैं, जब राकेश टिकैत आते हैं तो कुछ आते हैं, फिर कम हो जाता है, ऐसा भी कुछ है क्या? अब जब सरकार ही नहीं यहाँ पे तो किसान ही क्या करेगा, उसे भी कह दिया अपने गाँव में भाई खेती करो, कटाई से रही वहाँ पर भी ध्यान दो, सरकार जब आ जाएगी तो फिर आ जाना। सरकार आ जाएगी मतलब? सरकार यहाँ है कहाँ, दिल्ली में सरकार तो चुनाव लड़ रही। अच्छा, आप जैसे आपको सरकार चुनाव लड़ रही है, बंगाल में पूरी सरकार वहाँ है, सही बात है, तो ये भी कहा जा रहा है कि बंगाल में अगर 2 मई को नतीजे सरकार के पक्ष में, मतलब सरकार मतलब बड़े वाले सरकार के पक्ष में हुई, बीजेपी जीत गई, तो उसके बाद बीजेपी